नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं एसपीएन नाइन न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करने वाले कुमार विश्वास को लेकर। जी हां, देखिए कुमार विश्वास ने प्रकाश जावड़ेकर को सलाह दी है, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को सलाह दी है। लोगों ने कहा कि अब भाजपा में ही आ जाओ। तो देखिए ये है पूरा मामला और आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास ने मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को ट्विटर पर ऐसी सलाह दे डाली कि लोग उन्हें भाजपा में शामिल हो जाने का सुझाव देने लगे। आप नेता ने एनसीईआरटी की हिंदी की किताब में शामिल कविताओं पर टिप्पणी करते हुए केंद्रीय मंत्री को मौजूदा पाठ्यक्रम में बदलाव का सुझाव दिया था। कुमार विश्वास ने ट्वीट कर कहा, बिटिया की हिंदी पढ़ाते हुए पता चला कि दसवीं की एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम बेहद उबाऊ और नीरस है। बड़े कवियों की अल्पज्ञात कविताएं और अल्पज्ञात कवियों की बड़ी कविताएं पढ़ाकर बच्चों में साहित्य प्रेम नहीं जगाया जा सकता। और देखिए हिंदी के भविष्य हेतु प्रकाश जावड़ेकर कृपया संज्ञान लें। आप बता दें कि उनका आपके शीर्ष नेतृत्व के साथ लंबे समय से मतभेद चला आ रहा है। राज्यसभा के लिए नामांकित नहीं करने पर कुमार विश्वास का दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत आपके अन्य शीर्ष नेताओं के साथ जारी कड़वाहट सतह पर आ गई थी और उस पर बार बार भाजपा करीबी होने का आरोप भी लगता रहा है। प्रकाश जावड़ेकर आपको बता दूं शिक्षा मंत्री हैं और कुमार विश्वास ने ट्वीट कर कहा कि दसवीं की जो क्लास की पाठ पुस्तिका है, जो किताबें हैं हिंदी की, उनमें थोड़ा बदलाव किया जाए क्योंकि उनमें उबाऊ और नीरसपन ज़्यादा देखने को मिल रहा है। उससे छात्र जो है वो किताब के प्रति उनका जो स्नेह है वो नहीं बढ़ पाएगा। तो जिस तरह की सलाह उन्होंने दी है तो इससे साफ शामिल हो सकता है, साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ रुख कर रहे हैं कुमार विश्वास। तो क्या कुमार विश्वास अब आपको छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे? जी हाँ, क्या अब कुमार विश्वास कह सकते हैं बीजेपी में रहकर अपनी लड़ाई लड़ेंगे? क्योंकि देखिए अरविंद केजरीवाल की अगर मैं बात करूँ तो अरविंद केजरीवाल जब आप पार्टी नहीं बनी थी उस वक्त अरविंद केजरीवाल के साथ कुमार विश्वास थे, लेकिन कुमार विश्वास को अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया, ये दर्शाता है कि अरविंद केजरीवाल कितने बड़े धोखेबाज हैं और किस तरह से उन्होंने अपना मत निकालने के लिए कुमार विश्वास को बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब इस तरह की अटकलें लगाई जाने लगी हैं कि कुमार विश्वास हो सकता है बीजेपी में शामिल हो जाएं। अगर कुमार विश्वास बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक अच्छी खबर होगी और 2019 के चुनाव से जोड़ा जाए तो 2019 के चुनाव में भी कुमार विश्वास जो है बीजेपी को बड़ा फायदा दिला सकते हैं। अगर मैं रिपोर्ट्स की तरफ बात करूँ तो आपको मैं बता दूं कि एक ट्वीट कुमार विश्वास ने किया था कि बिटिया को हिंदी पढ़ाते हुए पता चला कि दसवीं की हिंदी की जो पाठ्यक्रम है बेहद उबाऊ और नीरस है। बड़े कवियों को अल्पज्ञात कविताएं व अल्पज्ञात कवियों की बड़ी कविताएं पढ़ाकर बच्चों में साहित्य प्रेम नहीं जगाया जा सकता। और आपको बता दूं कि इस तरह से कई ट्वीट जो है किए गए हैं और कुमार विश्वास का ट्वीट सामने आते ही तरह तरह की सलाह दी जाने लगी। सतीश मणि त्रिपाठी ने ट्वीट किया, मन में तो यही इच्छा है कि आप बीजेपी में शामिल हो जाएं या फिर अपने संगठन के अच्छे आंदोलनकारियों को अपने साथ मिलाकर राजस्थान के रण में उतर जाएं, आप एक अच्छे व्यक्ति हैं। यानी कि कुमार विश्वास की एक अलग छवि है और लोग जो उनके फैंस हैं बहुत उन्हें पसंद भी करते हैं, बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है कुमार विश्वास की। तो ऐसे में अगर बीजेपी के साथ कुमार विश्वास शामिल हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए अच्छी खबर होगी। और साथ ही साथ जैसा कि हमने आपको बताया भी कि 2019 के चुनाव के दौरान भी बड़ा फायदा मिल सकता है बीजेपी को। रिपोर्ट्स की तरफ अगर मैं रिक कर लेता हूं, देखिए उन्होंने कहा आपको राजनीति की मुख्य धारा में जरूर आना चाहिए। कंचन ने लिखा, बेटे को बोला हिंदी का पेपर है, साहित्य पर ध्यान दो, कविताएं पढ़ो अच्छे से। उसने कहा, माँ रविंद्रनाथ को पढ़ता हूं तो कह रहे हैं लोगों की मदद करो। हरिवंश राय जी अग्निपथ में कुछ और कह रहे हैं, किसकी सुनो। अध्यापक भी थोड़ा रोचक तरीका रखें पढ़ाने का, सिर्फ मार्क्स के लिए ना पढ़ाएं। जी हाँ, इस तरह की बातें कही जा रही हैं। और आनंद एक है, उन्होंने यूजर ने ट्वीट किया, जब कुछ सरकारें अपनी पार्टियों के एजेंडे को बढ़ाने के लिए कोर्स में कुछ हेर फेर करती हैं तो वहीं उबाऊ नीरस के अलावा उद्देश्यहीन भी हो जाता है। एक अन्य व्यक्ति ने लिखा, कुमार जी बीजेपी ज्वाइन करें, आपकी सारी
मांगे मान ली जाएंगी। तो इस तरह से देखिए ट्वीट लगातार किया गया और ज़्यादातर यूजर्स जो है उनका यही कहना है कि कुमार विश्वास आप एक अच्छे पर्सन हैं, आप एक अच्छे वक्ता हैं, तो आप बीजेपी में शामिल हो जाइए। और लोगों का कहना है कि अगर आप बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो आपकी बहुत सी जो कह सकते हैं जो परेशानी है उसको हल किया जाएगा। तो आपको मैं बता दूं कि बीते कुछ दिनों पहले होली के दिन जो है एक कई टीवी चैनल्स पर एक कार्यक्रम रखा गया था, उसमें कुमार विश्वास भी मौजूद थे और कुमार विश्वास ने व्यंग करते हुए जो है कई राजनीतिक पार्टियों पर तंज कसा था। और इतना ही नहीं, आपको बता दूं उन्होंने सभी पार्टियों पर तंज कसा था। तो जिस तरह से देखिए वो अक्सर व्यंग करते हैं और तंज भी कसते हैं पार्टियों पर, तो ये देखने को मिलता है कि साफ साफ वो किस तरह से एक अलग ही उनका उद्देश्य है और किस तरह की वो अपनी बात रखते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उनका जो दर्द है वो अभी भी झलकता है, क्योंकि उन्हें अरविंद केजरीवाल ने ना तो कोई बड़ा पद दिया और ना ही जैसा कि हमने आपको यहाँ पर बताया भी कि उनको लेकर कोई बड़ी बात की गई, और साथ ही साथ ये भी है कि राज्यसभा के लिए भी नामांकित नहीं किया गया। तो ये सब चीज़ें दर्शाता है कि कुमार विश्वास किस तरह से भले ही वो अंदर ही अंदर कुछ और चल रहा हो लेकिन वो बाहर कुछ और ही प्रकट करते हैं, और जब भी उन्हें मौका मिलता है तो वो आप पार्टी पर निशाना साध देते हैं, अरविंद केजरीवाल पर निशाना साध देते हैं। तो उनकी कह सकते हैं इन तंज में साफ पता चलता है कि उनका दर्द भी झलकता है। तो वाकई में देखिए राजनीति एक ऐसी चीज होती है कि अपना फायदा निकालने के लिए कभी भी कुछ भी किया जा सकता है, और किसी को भी बाहर किया जा सकता है, किसी को भी पार्टी के अंदर लिया जा सकता है, जैसे कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के साथ देखने को मिला। तो जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने कह सकते हैं कुमार विश्वास को कोई बड़ा पद नहीं दिया और ना ही राज्यसभा के लिए नामांकित किया, तो ये दर्शाता है कि उन्हें कुमार विश्वास से डर था कि अगर राज्यसभा के लिए नामांकित करते तो हो सकता है उनको लोग और ज़्यादा जो है पसंद करें और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती थी। तो ये देखने को मिल रहा है। देखिए आपको मैं बता दूं कि जल्दी दिल्ली में विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं, विधानसभा के चुनाव हैं, और अब की बार दिल्ली सरकार से जिस तरह से जनता परेशान है, उनका दिल्ली सरकार के कामकाज से जनता बिल्कुल भी खुश नहीं है। ना ही पानी की कोई सही सुविधा है, ना ही बिजली की सुविधा है, सड़कों पर गड्ढे इतने हो गए हैं कि पता ही नहीं चलता है कि सड़क है या गड्ढे हैं, लगता है कि गड्ढों में ही सड़कें बनी हुई है। तो तमाम तरह की दिक्कतें हैं लोगों को, लेकिन अरविंद केजरीवाल को इस बात की कोई चिंता नहीं है, उन्हें फुर्सत नहीं है राजनीति करने से, उन्हें फुर्सत नहीं है पीएम मोदी पर तंज कसने से। एक बार वक्त निकाल कर अगर वो दिल्ली की तरफ भी झांक लें, अगर दिल्ली की सड़कों की तरफ देख लें, दिल्ली में लोगों की जो परेशानी है उनके तरफ भी अगर बात कर लें, तो कई जो दिक्कतें हैं लोगों की वो सुलझ सकती हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल को इन सब चीज़ों से कोई परवाह नहीं है। जो अरविंद केजरीवाल कहते थे कि वो ना गाड़ी लेंगे, ना कोई सिक्योरिटी लेंगे, ना बंगला लेंगे, ना और अन्य सामान लेंगे, लेकिन वही अरविंद केजरीवाल अब अपनी पुरानी गाड़ी वैगनार को छोड़कर एक बड़ी गाड़ी में चलते हैं, उनके साथ सिक्योरिटी रहती है, और तमाम तरह के जो झूठे वायदे उन्होंने किए थे और उन सब चीज़ों का आज काला चिट्ठा सबके सामने है। अब बड़ी गाड़ियों में भी घूमते हैं, उनके साथ सिक्योरिटी भी रहती है और तमाम तरह की सुविधाएं उन्हें मिली हुई हैं। हाल ही में जिस तरह से अंशु प्रकाश का मामला सामने आया था, आपको बता दूं कि अंशु प्रकाश मामले में जिस तरह से बताया गया कि अरविंद केजरीवाल ने गुंडागर्दी की, दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्हें ऐसी बात शोभा नहीं देती। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के पद का एक अपना दायित्व होता है, एक अहम ओहदा होता है, लेकिन उन्होंने अपने मर्यादाओं को लांघते हुए, अपनी सीमाओं को लांघते हुए अंशु प्रकाश के साथ मारपीट की। आपको बता दूं अंशु प्रकाश एक सरकारी अधिकारी हैं, और हैरानी वाली बात तो यह है कि रात के 12 बजे मीटिंग करवाई जाती है और जिस तरह से अंशु प्रकाश के साथ मारपीट की गई, यह दर्शाता है कि अब अरविंद केजरीवाल अपनी बातों को मनवाने के लिए गुंडागर्दी करने पर उतारू हो गए, यानी कि अब धीरे धीरे जनता के सामने अरविंद केजरीवाल का चेहरा सामने आ चुका है, काला चिट्ठा सामने आ चुका है, और अब जनता भी समझ रही है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने लोगों को धोखा दिया है वो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ा है, और अब की बार जिस तरह से दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उसमें जनता अपना रुख बदल सकती है।
बहरहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि जनता क्या फैसला लेगी। लेकिन सवाल यही है कि क्या कुमार विश्वास बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, क्या बीजेपी में शामिल होकर वो अपनी लड़ाई लड़ेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।